सर्वे ने ये बोला था कि डीजल कैपेसिटी बढ़ानी है तो अपना लीकेज कम करना होगा, और एक लीकेज ऐसे भी होता है कि टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स लिटिगेशन, टैक्स इवेजन अवॉइडेंस, वो सारी चीजों में पैसा चला जाता है, तो उसकी कुछ आप दवा करिए। और बजट में बोला हाँ कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, तो मतलब बैकएंड में बात आएगी पनामा। पनामा कहां पर है? वो इधर साउथ अमेरिका में है। उसके ऊपर कौन सा देश है? कोस्टा रिका। और उसके नीचे कौन सा देश है? कोलंबिया। पनामा कैनाल वो किसको जोड़ती है? पैसिफिक को किसके साथ? अटलांटिक के साथ। तो फिर सुएज कैनाल किसको जोड़ती है? रेड सी को किसके साथ? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ। ठीक, अब ये चर्चा में क्यों आ गए? पनामा पेपर्स, क्योंकि ये पनामा देश के अंदर एक कंपनी थी मोज़ेक फोंसेका, इट वाज अ लीगल फर्म। ये कंपनी क्या काम करती थी? अलग अलग बड़े देशों में जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, मालदार लोग या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है, उन लोगों को वो मदद करते थे कि आप हमको पैसा दो और उस पैसे से हम लोग टैक्स हेवंस जैसे मॉरिशियस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, वहां पर जाके आपका लिए हम नया कंपनी बना देंगे, और उसके जरिए फिर राउंड ट्रिपिंग की मदद से पैसा वापस आपके ही देश में निवेश कराएंगे और आपको टैक्स कम भरना पड़े। अब स्वाभाविक है, ऐसे लीगल फर्म होगी तो उसके पास ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन किया होगा। किसी आदमी ने वो सारे डॉक्यूमेंट एक जर्मन न्यूज़पेपर को लीक कर दिए और फिर चलते चलते सबके नाम वहां पे आ गए, ऐश्वर्या राय और बच्चन और जो जो बड़े लोग हैं। पूरा मुद्दा क्या है इस वाले लिंक पे आपको पता चल जाएगा। खैर, पनामा पेपर से ऐसे प्रीलिम में बहुत सवाल नहीं बन सकते, मेंस में और मनी लॉन्ड्रिंग का जब पढ़ना होगा तब हम देख लेंगे। अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस प्रकार का जो जो टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस होता है, उससे लड़ने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहला ओईसीडी, उन्होंने वो लेके आए बेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएस। ये कैसे? कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत के अंदर अपना शुरू करे काम और जितना भी प्रॉफिट है तो उसके सामने वो ऐसा दिखाएंगे कि हमको ये ब्रिटिश वर्जिन या केमैन आइलैंड वाली कंपनी ने इतना उधारी में पैसा दिया तो वो हमने वापस करना, ऐसा बोल के वो सारा प्रॉफिट इरोड करके वहां ले जाएंगे और उस कंपनी के भी मालिक तो वो ही लोग होंगे। तो ये क्या हो गया आपका? बेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कहीं और भेज दिया। और भारत को जो 40% या 30% कॉर्पोरेशन टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इससे लड़ने के लिए ओईसीडी ने क्या बोला, मतलब ये क्या है, दे वॉन्टेड टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम चूजिंग लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन टू रिड्यूस देयर बुक प्रॉफिट। तो हाँ, उसके लिए लेके आए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सभी देश उसके सभी सीबीडीटी और सीबीईसी वाले टैक्स का एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा कौन गेम खेल रहा है और उस पर हम एक्शन लेंगे। फिर ग्लोबल मेजर में अमेरिका क्या लेके आया? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका। फटका ऐसा है कि अमेरिका का कोई भी वहां का आदमी भारत या किसी भी देश में जाके निवेश करता है तो अपने जो भी बॉडीज हैं या जो भी निवेश म्यूचुअल फंड वाले या जो भी लोग हैं उन्होंने वो डेटा शेयर करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। ठीक, कंट्रीज नीड टू इन्फॉर्म यूएस अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमेरिकन टैक्स पेयर और कंपनीज, ताकि अमेरिका को पता चले कि कौन कहां उनका जो भी बच्चन और ऐश्वर्या राय होगी वो इधर निवेश कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये भी एक ग्लोबल मेजर हो गया अमेरिका की तरफ से। देन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के सामने लड़ना है। ये किधर बैठते हैं? पेरिस में सेक्रेटरिएट। तो वहां पर उनका लाइट बिल और फोन बिल कौन भरता है? ओईसीडी वाले, मतलब FATF का बाप यूएन नहीं है, IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, कौन है? ओईसीडी, पेट्रोनेज उनको दे रहा है। भारत क्या कर रहा है? अब भारत की समस्या ये है कि 157th इन द एज ऑफ पेइंग टैक्सेस, भरने के लिए लाइन, मतलब ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करके एक तो बहुत समस्या है, रेड टेप ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर आप किसी कंपनी का जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब आंकड़े जोड़ो तो पता चल जाएगा किसी कंपनी और उसके शेयर होल्डर ये मिलके इनके ऊपर कितना, अराउंड 50% ऑफ देयर प्रॉफिट इज गॉन, वो सरकार के पास चला जाता है। तो स्वाभाविक है ये सभी लोग क्या सोचेंगे कि कुछ तुक्का मार के हम लोग अपना पैसा टैक्स में जाने से बचाएं और वो लेके अपने को चलेगा टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। इन सबसे लड़ने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, राइट। फिर हम बोल रहे हैं कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAR लेके आएंगे, लेकिन 2017 से। ठीक, तो कुछ ना कुछ हम करते हैं और मींस वाली लेक्चर सीरीज में वो पढ़ेंगे। एक चीज है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS, पहले भी बात की थी कि आपके पास चाहे जितना पैसा हो रुपीज में उसको आप तब्दील करके मैक्सिमम कितना बार बेच सकते हो, एक भारतीय रेसिडेंट एक साल में कितना बेच सकता है? $2.5 लाख। तो फिर अब ये कुछ लोग क्या करेंगे इधर वाले, कि मान लो कोई बॉलीवुड का मेगा स्टार है, उसका बेटा है, बहू है, दो तीन महीने की
पोती है, ड्राइवर है, माली है, हर एक के नाम से ढाई ढाई लाख डॉलर आप पनामे में भेज दो, किसको, मोजेक फोंसेका को, और फिर वो जाके मॉरिशियस में कंपनी बनाए, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। आप पूरा गेम आप दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो। ठीक, तो ये दो नंबर का पैसा हो सकता है उसने मेहनत करके पैसा कमाया, बट क्योंकि वो टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया तो ब्लैक मनी इट इज। अब ये वापस लाने के लिए सरकार क्या नया लेके आई, पहले चलता था वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ ब्लैक मनी, तो ये अपना 2016 बजट में लेके आए इनकम डिस्क्लोजर स्कीम फॉर डोमेस्टिक टैक्स प्लेयर्स। ऐसा जो भी आपका अनअकाउंटेड इनकम है, आप 1 जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक उसको डिक्लेयर कर दो, उसके ऊपर 30% टैक्स भरो, फिर वो टैक्स के ऊपर कृषि कल्याण सरचार्ज के नाम पे 7.5% भरो, फिर जो जो लायबिलिटी उस पे 7.5% आप पेनल्टी भरो, तो मतलब कुल मिला के कितना हुआ, 7.5 और 7.5 15 + 30 टोटल 45%, जो भी आपका ब्लैक मनी था उसका 45% आप टैक्स के नाम पे सरकार पे दे दो तो आपको हम लोग माफ कर देंगे, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये क्या है, अपना ब्लैक मनी को डिक्लेयर करने का स्कीम लेके आए। एक और बात, ऐसा हम लोग जानते हैं कि सरचार्ज कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, राइट। आप याद करो वो कॉर्पोरेशन टैक्स पे जो लगता है 1 करोड़ से ज्यादा वाले पे जो 15%, लेकिन इधर ये 7.5% वाला क्या है, कृषि कल्याण सरचार्ज, मतलब ये स्पेसिफिक पर्पज आप समझ सकते हैं कृषि कल्याण योजना में चलाएंगे। तो अब एमसीक्यू में अगर ऐसा कुछ पूछा जाए ओनली या फिर ऑल, तो जरा अलर्ट होके आप टिक करना, ठीक है। और बात, अगर आप इनकम टैक्स या कुछ नहीं भरते तो जितने टाइम तक आपने नहीं भरा उस पे आपको ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे मांगते थे, सेम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्योंकि एज ऑफ पेइंग टैक्सेस नहीं है, इसको सुधारने के लिए बजट में क्या बोला गया, पहले ऐसा था कि कस्टम एक्साइज सर्विस वहां पर अलग अलग इंटरेस्ट लगता था, आपने इतना डिले किया तो ये लोग अलग मांगे, ये लोग अलग मांगे। अब सरकार ने ये बोला कि जो भी डिले होगा उस पर 15% इंटरेस्ट हम लोग मांगेंगे। फायदा इससे क्या हुआ, एक तो अपना क्योंकि कम कर दिया, 18% नहीं अभी 15%, तो थोड़ा कम हुआ, तो हो सकता है कोई बॉर्डर लाइन पे हो वो लिटिगेशन कम करे, मान लो मेरे को 3 लाख भरना हो और आपकी इतना थोड़ा कम बना है, ठीक है तो मैं कहीं से जोड़ के कर लेता हूँ, मैं लिटिगेशन अपील में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, अगर सभी जगह पे ऐसा यूनिफॉर्म हमने स्लैब बना दिए पेनल्टी के भी, पेनल्टी और इंटरेस्ट के भी, तो आगे चल के जीएसटी या आईसीटी से कुछ काम करना हो तो अपने को सुविधा रहे। और बात लिटिगेशन, आपने कोई सर्विस टैक्स या कुछ भी चीज नहीं भरा तो सबसे पहले कमिश्नर आपके ऊपर जो भी दंड लगाना है इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएगा, आपको उसके खिलाफ अपील में जाना है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में बात कर रहा हूँ, कहाँ पे जाएंगे, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज CES-10, वहां पे आप अपील में जाओ, वहां पर भी आपके खिलाफ गए वो लोग तो आप हाईकोर्ट में अपील में जा सकते हो। तो सब स्वाभाविक है, इधर जो भी मालदार पार्टी होगी वो ऊपर ऊपर जाएगी और लिटिगेशन में ढेर सारा पैसा पड़ा रहेगा। ये लिटिगेशन कम कराने के लिए क्या करें, तो बजट में कुछ कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसको बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016। क्या है, मान लो इधर आपका कमिश्नर लेवल पे कोई केस पड़ा है जिसपे उसने आपको बोला होगी इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट और इतना पेनल्टी भरना है, तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ऐसा बोला गया कि टैक्स तो आपने भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी उस पर भरना पड़ेगा, लेकिन जितना भी पेनल्टी है उसका केवल 1/4 आप भरो, 25% और आपका केस रफा दफा हम कर देंगे। दैट इज ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बात इधर पे खत्म हो गई, और आप मतलब इधर आप बोल दो कि हाँ मैं आगे अपील में नहीं जाऊंगे तो ये केस इधर 25% पेनल्टी पर और छूट जाओ। सिवाय कि आप कोई नारकोटिक्स या स्मगलिंग के केस में पकड़े गए तो आपको ये नहीं कर सकते। सेम वे सर्विस टैक्स, तो वहां 2 करोड़ से ज्यादा वाला केस हो तभी जाके प्रोसिक्यूशन करेंगे और स्पेशल केस में ही अरेस्ट करेंगे, बाकी हर एक केस में ऐसा बंद कर देंगे, केस फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट, मान लो कमिश्नर ने आप पे जो भी दंड लगाया है और उसके सामने आपको अपील में जाना है, तो अगर 10 लाख से कम वाला केस है तो आप इधर जाके अपील नहीं कर सकते। इससे फायदा क्या होगा, छोटे छोटे हर एक टुच्चा आदमी जाके ये अपील का टाइम वेस्ट ना करे, 11 नई बेंच खोली जाएंगे अगेन ताकि फास्ट फास्ट केस हम फिनिश कर सकें। सेम वे इधर आप हार गए तो हाईकोर्ट में अपील में नहीं जा सकते अगर मामला 15 लाख से कम का हो, अगेन क्यों, ताकि हाईकोर्ट में भी टुच्चे लोग जाके टाइम पास ना करें। तो ये सब क्या है, लिटिगेशन कम कराने के लिए सरकार ने कुछ किया है, एंड सिमिलर दे हैव डन फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो। और बात, अगर कोई केस इधर एपेलेट ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट में 15 साल से चल रहा है और हार्डली उसमें कुछ 5 लाख का ही सरकार को फायदा होना, तो सरकार ने ये बोला कि वो भी हम लोग खत्म कर देंगे,
क्यों, 5 लाख चला गया वो नुकसान बराबर, लेकिन जितनी बार इधर जाएगा तो वो जो भी लॉयर है उनका पैसा और पूरा स्टाफ अपना अटका रहा तो वो नुकसान कर रहा है, तो वो 15.5 साल तक के पुराने केस वो भी बंद। आगे बात डायरेक्ट टैक्स, ये तो हमने बात करी कि इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम पाते हैं कि 5.5 लाख करोड़ के कुल मिला के केस वो कहीं ना कहीं ऐसे अटके हुए हैं। इसकी दवाई के रूप में क्या किया पहले और बजट 2016 के बाद, पहले ये था आपने अगर इनकम टैक्स नहीं भरा तो पेनल्टी कितनी लगती थी, 100 से लेके 300% तक। अभी 100 लगाना है, 150 लगाना है, 200 या 300 या कितना वो कौन तय करता, उसके कोई मतलब वो फॉर्मल नियम नहीं थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन सत्ताओं पे था। स्वाभाविक है इससे करप्शन चांस बढ़ेगा, कैसे मेरे पर ही, या ये भी हो सकता है 100% लगे या 300%, तो मैं स्वाभाविक इसको बोलूंगा आप इतना ही लगाओ मेरे को छोड़ दो और आपका इतना मैं पैसा दे देता हूं। तो ये एक तो विवेकाधीन कम करना है अपने को। तो 2016 बजट में ये बोला कि पेनल्टी कितनी लगेगी, 50% से लेके 200% तक। इसके आप फायदे समझिए, एक तो ये करप्शन वाला बात कम हो क्योंकि इसकी विवेकाधीन सत्ता अब कम हुई, दूसरी बात 50 to 200 में फिर हो सकता है कि वो कुछ गाइडलाइन इशू करे कि पहली बार आदमी पकड़ा गया तो 50% ही लगेगा, फिर इतना लगेगा एंड सो ऑन, ताकि आप समझिए मेरे के ऊपर 300% पेनल्टी लगती तो ज्यादा चांस था मैं जाके अपील में जाता अप टू हाईकोर्ट, क्योंकि मेरे को ढेर सारा पैसा देना है। लेकिन अगर 50% ही होगा तो कभी तो मैं भी परेशान होकर चलो छोड़ो मैं दे देता हूं, तो ये क्या करेगा अपना लिटिगेशन कम करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर्स कम करेगा, और यहां पर भी ऑलरेडी पेंडिंग केसेस के अंदर ऐसे मांडवाल कर देंगे। और इधर अपील में आप जाते हैं, दैट इज ITAT इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, वहां सिंगल मेंबर 50 लाख तक के केस सुन सकता है। ठीक, याद रहे उतना ठीक है, अदरवाइज आप ये याद रखना कि भाई ITO का डिस्क्रिशनरी पावर कम किया गया है, पेनल्टी रेट्स कम किए गए हैं ताकि अपना ये लिटिगेशन कम हो। ठीक, और क्या करोगे आप, दानली कम करनी है, इम्प्रूवमेंट लाना है तो कंप्यूटर का यूज करना चाहिए। तो हाँ, सरकार ने बोला कि हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ह्यूमन इंटरफेस कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाए। साथ बड़े सिटी के अंदर ई असेसमेंट करेंगे ताकि मैन टू मैन इंटरफेस ना हो, ताकि करप्शन का चांस ना बने। देन ई सहयोग पोर्टल लेके आएंगे। ई सहयोग पोर्टल ये है कि आपने इनकम टैक्स भरा और सामने जो भी मिसमैच हो गया तो आप ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, सीधा इधर पोर्टल में आप कर सको। सेम वे कस्टम के अंदर हम IT सिस्टम अलग अलग करेंगे, वो बात भी खत्म। ओके, तो इनकम टैक्स के अंदर क्या नए प्रावधान लाए वो समझ लिया, टैक्स लिटिगेशन कम करने के लिए क्या क्या प्रावधान वो भी समझ लिया। देन सम रिलीफ्स, ये मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस RV ईश्वर एक्सपर्ट कमेटी टू सिंप्लीफाई इनकम टैक्स लॉज, और उसने जो जो अलग अलग सुधार बताए थे ज्यादातर उसको बजट 2016 में एम्बेड कर लिया। तो CGS की जो बात करी है, लिटिगेशन में हमने जो जो मुद्दे अब तक समझे वो किसके दिमाग की उपज है, RV ईश्वर के दिमाग की उपज है, और TDS में भी उसने कुछ सुधार बताए थे जो कि लागू किए गए। ये क्या TDS मतलब क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मान लो मेरे को 1000 रुपए देने वाले हैं तो 1000 रुपए नहीं देंगे ये लोग, 10% काट के सिर्फ 900 रुपए देंगे और बाकी जाएगा इनकम टैक्स को, और फिर मैं अपना जब रिटर्न फाइल करूं तो वो अमाउंट एडजस्ट की जाएगी, लेकिन वो जितना भी है तो एक साल तक मेरा पैसा वहां पर अटका रहा, राइट। और ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम स्मॉल टैक्स प्लेयर के लिए करता है, तो हम लोग ये करेंगे TDS को कम करेंगे ताकि इट इंक्रीजेस द कैश फ्लो टू स्मॉल टैक्स पेयर, और उसके पास अगर ज्यादा पैसा हाथ में आए तो स्वाभाविक है वो कोई खरीदी करे, डिमांड बढ़े, GDP ग्रो करे एंड सो ऑन। तो TDS के अंदर कमी लाई गई है ताकि स्मॉल टैक्स पेयर के हाथ में पैसा ज्यादा रहे। अब टेक्निकली किस पे क्या लगेगा और कितना पहले से कम किया आपने को याद नहीं रखना है, बस एक लाइन में ये आप याद रखो। नेक्स्ट, अगर आपको TDS रिफंड में IT की तरफ से डिले हो रहा है तो उस पे भी ब्याज दिया जाएगा, और जो ऑफिसर डिले कर रहा है वो जवाबदेह होगा, मतलब उसकी तनख्वाह से कुछ काटेंगे ऐसा। नेक्स्ट, अपने पास पान कार्ड हो तो कम TDS लगता है, और ये बाहर के लोग उनके पास अगर पान कार्ड ना हो तो उनपे ज्यादा TDS लगता है, तो सरकार बोला कि वहां पर भी कोई अलग डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए तो उनपे भी सेम टू सेम, मतलब उनको भी रिलीफ कर दिया। ठीक है, तो बजट उसका रेवेन्यू पार्ट, वहां पर रिसीप्ट और ये डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें। फिजल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या थोड़ा समझ लिया, टैक्स अवॉइडेंस इवेजन लिटिगेशन कम करने के लिए क्या थोड़ी थोड़ी बातें हमने समझ ली, देसी टैक्स पेयर को क्या फायदा उसके भी हमने कुछ मुद्दे देख लिए, अब विदेशियों को यहां पर क्या फायदा क्योंकि उनके माथे पर भी टैक्स तो कुछ लगता है। सो रिलीफ टू फॉरेनर्स में तीन बातें करी गई,
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाएंगे, जीएआर और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये दो चीज हम लाएंगे, लेकिन ये हम लाएंगे 1 अप्रैल 2017 से। अब ये जीएआर क्या था, L2 P9 में आप देख लेना, रेट्रोस्पेक्टिव भी वहां पर देख लेना, मतलब कि विदेशियों को भी हमने सबका साथ सबका विकास, तो इनका भी हम विकास में मदद करेंगे। अब हिंदू की ये नजर में क्यों नहीं चढ़ता और क्यों क्रिटिसाइज नहीं करता, हाँ जानते हैं आजकल किसी और चीज में वो बिजी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है वो लंबी चौड़ी वोडाफोन वाला पावर पॉइंट और वीडियो आप देख लेना, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि समझना, एक स्लाइड में जल्दी से समझ लें। वोडाफोन ने भारत का हच इंडिया खरीद लिया कि से हांगकांग की कंपनी से, जिसका इंटरमीडियरी कहीं पर था, 55,000 करोड़ में वो खरीदा। तो चिदम्बरम ने बोला कि इस पे क्योंकि ये बायर है तो इसने 12,000 करोड़ विथहोल्ड करके सीजीटी हमको देना था। वोडाफोन वाले बोले कि ये तो पूरा डील बाहर हुआ है, तो हमको ये आपका आईटी एक्ट नहीं लागू होता। स्वाभाविक है वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत की सरकार ऐसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे कोई आईटी मांग सके। तो चिदम्बरम और फिर उन्होंने ये सोचा कि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आएंगे। आईटी एक्ट में 1961 से लेके अब तक वो प्रावधान लागू किए जाएंगे, वो ऐसा रेट्रोस्पेक्टिवली हम लगाएंगे। और फिर ये 12,000 करोड़ इतने सालों तक आपने नहीं भरा, उसका इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी करके बहुत बड़ी इनसे रकम मांगी गई। और भविष्य में ऐसा टैक्स अवॉइडेंस ना हो, उसके लिए ये पार्थ सारथी सोम का पैनल बनाया, जिसने बोला ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लेके आएंगे। ठीक, तो ये मुद्दे तो कवर हो चुके थे। बजट 2016 में जेटली ने क्या बोला, पहली बात ये रेट्रोस्पेक्टिव के नाम पे हम कंपनियों को परेशान नहीं करेंगे, दूसरी बात जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल हम लाएंगे बराबर, लेकिन कब से, 1 अप्रैल 2017 से। ठीक, तो रेट्रोस्पेक्टिव मामले में बजट ने क्या बोला, ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर या विदेशी कंपनियों के ऊपर ऐसे मांगा जाता था, दैट इज टैक्स एडवेंचरिज्म, टैक्स एडवेंचरिज्म हम खत्म कराएंगे, हम लोग ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली जाके कोई डिमांड नहीं करेंगे। और पहले से जो भी केस चल रहे हैं, जैसे ये वोडाफोन का चल रहा है, के इन इंडिया वगैरह का, तो इन सभी कंपनियों ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला है। नेक्स्ट ये वोडाफोन, तो उसने नेदरलैंड के साथ भारत का बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी बीपा, उसके जरिए वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में चले गए। तो जेटली ने बोला है कि ये सभी कंपनियां अगर अपने जैसे जो भी अपील डाला है उन्होंने कोर्ट में या बीपा में या इंटरनेशनल जहां पर, वो सारी अपील आप लोग अगर निकाल दो और सिर्फ टैक्स का पैसा दे दो, तो हम आपका केस रफा दफा कर देंगे, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कुछ चीज आपसे नहीं मांगा जाएगा। और ये सारा काम कौन देखेगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो ऐसा करके हम ये पुराने सारी चीज खत्म कराएंगे, ताकि क्या हो, एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ज्यादा कंपनियां आए, मेक इन इंडिया, जीडीपी, सारे मुद्दे आप जोड़ सकते हो। ठीक, नया मुद्दा है पीओईएम, पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये क्या है। टैक्सेशन पर्पज से दो कंपनियां होती है भारत की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरिए से दो कंपनियां होती है, ग्लोबल कंपनी एंड इंडियन रेसिडेंट कंपनी। अब ग्लोबल कंपनी जैसे वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट पे टैक्स क्या होगा, भारत सरकार उसकी वॉलमार्ट की केवल भारत की इनकम के ऊपर ही टैक्स मांग सकती है। वो वॉलमार्ट ने ब्राजील में जाके मॉल खोला और उसका पैसा अगर अमेरिका में जाए तो अपना हक मांगने का नहीं बनता है, एक बात ये तो क्लियर है। दूसरा टाइप होता है इंडियन रेसिडेंट कंपनी, जैसे इंफोसिस, तो इंफोसिस अगर भारतीय बैंकों के लिए फिनेकल सॉफ्टवेयर बनाए तो उसका रॉयल्टी का, प्रॉफिट का जो भी पैसा है, तो भारत सरकार टैक्स मांग सकती है। यस, आगे चल के इंफोसिस ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उसका स्कोर कीपिंग का सॉफ्टवेयर बनाए, तो ब्राजील से पैसा इधर आएगा, प्रॉफिट का, रॉयल्टी का, जो भी, उस पर भारत सरकार टैक्स मांग सकती है। यस, वाई, क्योंकि इट इज इंडियन रेसिडेंट कंपनी। ठीक, तो मतलब इंडियन रेसिडेंट कंपनी होगी तो इंडिया कैन डिमांड टैक्स ऑन बोथ इंडियन एंड ग्लोबल इनकम। नेक्स्ट थिंग, इंक्लूडिंग ग्लोबल पैसिव इनकम, जैसे कि ये रॉयल्टी का पैसा है, किसी विदेशी कंपनी को इन्होंने लोन में पैसा दिया, उसका जो भी इंटरेस्ट में पैसा आता है या डिविडेंड में आता है, सो ऑन एंड सो ऑन। तो मतलब इंडियन रेसिडेंट कंपनी होगी तो उसकी भारत और विदेशी दोनों चीज पे हम लोग टैक्स मांगेंगे। ऐसा कब होगा, यदि ये कंपनी ने भारत में इनकॉर्पोरेट किया है, मतलब ये कंपनी एक्ट में उसने 1% पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर किया है, या फिर कि दिस कंपनी हैज अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। अब आप समझिए ऐसा क्यों और कैसे। अगेन, कोई फिल्म स्टार, वो अपने बहु बेटी और ड्राइवर मालिक के नाम पे पैसा पनामा में भेज दिया और कंपनी मॉरिशियस में खोल दी और वो पूरे विश्व में धंधा करती है, तो भारत सरकार उस पर पैसा मांग सकती है, टैक्स नहीं मांग सकती थी। क्यों, मॉरिशियस वाली कंपनी तो ग्लोबल कंपनी, ऐसा बोल के वो लोग बच जाते थे। लेकिन जब आप ये लेके आए कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है, क्योंकि वो फिल्म स्टार, उसकी बहू बेटी,
ड्राइवर माली और सभी लोग तो भारत में लेके पूरा ऑपरेट करा रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे आप? इट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, भारत में है तो भले आप मॉरिशियस या कहीं पे भी जाओ, आपकी सारी इनकम भारत से भी जो भी हो रहा है या विदेशों में जो कमा रहे हो उस पर हमारा टैक्स देने का हक बनेगा, ऐसा बोल के ये लोग लेके आए हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि पीओएम अचानक कोई नए दिमाग की उपज है, नहीं, शिपिंग कंपनियों पे तो ये पहले से था ही। टाइमलाइन क्या है कि 2015 वाले फाइनेंस एक्ट में कुछ बोला था कि हम ऐसा लाने की कोशिश करेंगे टू रिड्यूस द टैक्स अवॉइडेंस। ठीक, 2015 में ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू किया और अभी बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 से ये चीज लागू करेंगे। ठीक, अब हम पता कैसे करें कि पीओएम भारत में है? इसके लिए अलग अलग बेंचमार्क फिट किए गए कि ये जो कंपनी बॉलीवुड स्टार ने पनामा के जरिए मॉरिशियस में बनाई है उसका मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन कौन कहां से ले रहा है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग कहां और कैसे रहते हैं और वो कैसे मीटिंग करते हैं, अगर इस बोर्ड ने डेलीगेट किया है पावर तो वो पैनल कहां पे बैठती है, उनका रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेंस टैक्स वो कहां से कैसे जनरेट होगी, किधर आ रहा है, उनकी कितनी एसेट कितना एम्प्लॉय कहां पे क्या रह रहा है, ये सारे बेंचमार्क से वो तय करेंगे कि ये कंपनी उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या भारत में, अगर है तो भारत और ग्लोबल दोनों इनकम पे हम लोग टैक्स मांगेंगे। और ये चीज कब से होगी? जीआर के साथ साथ पीओएम भी शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से। ठीक, और बात तो मतलब ये सारी चीजें क्या, ताकि फाइनेंशियल कैपेसिटी अपना बढ़े, टैक्स लिटिगेशन और वो चीजें कम हो, और ऐसा भी नहीं कि प्रताड़ित करना है, विदेशियों को भी कुछ लाभ हो, हमने देखा रेट्रोस्पेक्टिव में जो लाभ कराए। और बात इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर भारत में बन रहा है किधर? गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी के अंदर विदेशी लोग आके निवेश करे उनको भी कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या इंसेंटिव है? गिफ्ट सिटी में जाके जो भी ट्रेडिंग हुआ वहां पर कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा, वहां मैट लगेगा, बट कैसे? एसएच मैट इज 18.5%, यहां पर कितना? उससे आधे से भी कम, 9%। अगर आपने ये गिफ्ट सिटी में जाके विदेशी करेंसी में किसी का शेयर खरीद लिया, शेयर्स, तो उस पर कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगेगा, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं, कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं। ऑब्वियसली कम कुछ कैवियट्स होंगे बट अपने लिए काम करना है। उसी प्रकार कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स पे कोई टैक्स नहीं वगैरह। अब ये सब फायदे क्यों कराए? दुबई के अंदर भी ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है और वो बहुत फूला फाला है क्योंकि इस प्रकार के टैक्स के लाभ दिए जाते हैं। तो अगर हम चाहें कि वो दुबई वाले भी इधर आए या कोई भी विदेशी नागरिक भारत के गिफ्ट सिटी में आके कुछ खरीद बेच करे, देन वी हैव टू गिव देम टैक्स ब्रेक्स, तो ये सारी चीज लाके आ गए। ठीक, तो बजट 2016 वहां पर विदेशियों को लाभ के लिए क्या, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रेट्रोस्पेक्टिव समझ लिया, जीआरएन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बट ये दोनों चीज हम कब से लाएंगे? 1 अप्रैल 2017 से, और बाकी चीजें भी क्लियर हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये इनडायरेक्ट टैक्स वाली बात करते हैं।